फिर से एक बार, और एक गुजारिश फिर से हम करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब का लाल बटन है और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की जो है सूचना मिल जाया करें। और आज का जो स्टॉक है वो हम अपने एक सब्सक्राइबर के पूछे जाने पे उस पर हम रिव्यू देंगे, बीकेटी टायर्स यानी बाल कृष्णा इंडस्ट्री। और बीकेटी टायर पे काफ़ी पहले बनाया था तो अभी उनके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स भी दिखाएंगे हम, आ चुके हैं। और इस पे थोड़ी सी बात करेंगे कि किस प्रकार की कंपनी है और हमें क्या करना चाहिए। तो पहले हम उसकी वेबसाइट पे हैं, तो बेसिक चीज़ें मैं आपको कुछ बता दूं कि इनकी जो कंपनी हेडक्वार्टर्स इन मुंबई, मुंबई में इनका हेडक्वार्टर्स है, इंडिया बाल कृष्णा इंडस्ट्रीज़ इज़ अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर, मतलब ये लीडर है ऑफ हाईवे टायर मार्केट में, द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ इन द ऑफ हाईवे टायर मार्केट सिंस इट्स फाउंडिंग इन 1987, 1987 से जब से इन्होंने स्थापित किया कंपनी को तब से ये लीडर है। बाल कृष्णा टायर हैज़ सक्सेसफुली फोकस्ड ऑन स्पेशलिस्ट सेगमेंट सच एज एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल व्हीकल्स एज वेल एज अर्थ मूविंग। तो इन्होंने जो जिसके लिए टायर बनाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो इनका टॉप सेगमेंट्स है जैसे कि खेती किसानी, कृषि यंत्र पे जो टायर्स, ट्रैक्टर्स वगैरह में जो बड़े बड़े टायर्स होते हैं और भी जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए टायर बनाते हैं, तो बेसिकली एग्रीकल्चर्स के लिए, और कंस्ट्रक्शन में जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं उनके लिए बनाते हैं, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए बनाते हैं, और इंडस्ट्रियल व्हीकल्स जो इंडस्ट्रीज़ की जो व्हीकल्स होते हैं बड़े बड़े उनको, उनके लिए टायर बनाते हैं, चाहे वो रोड रोलर हो चाहे कई प्रकार के होते हैं। और हम प्रोडक्ट भी देखेंगे, अर्थ एंड गार्डनिंग एप्लीकेशंस। एज अ रिजल्ट बीकेटी हैज़ डेवलप्ड इनटू अ ग्लोबल प्लेयर इन द ऑफ हाईवे टायर इंडस्ट्री विद अ 6% मार्केट शेयर एंड अ सेल्स वॉल्यूम ऑफ 850 मिलियन US डॉलर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू अ 30% इंक्रीज ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। प्रेजेंटली वी हैव अवर सब्सिडरीज इन यूरोप, जो इनकी सब्सिडरीज कंपनियाँ हैं वो यूरोप में एंड नॉर्थ अमेरिका, असिस्टिंग अवर हेड ऑफिस इन सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़। बी के टी यूरोप, सेरेंगो इटली, बी के टी टायर्स USA, ये इन कंट्रीज़ में इनकी सब्सिडरीज कंपनी है, इन एक्रॉन ओहायो, टायर्स कनाडा, टोरंटो, इस प्रकार की इनकी जो प्रेजेंस है। वी सेल अवर प्रोडक्ट्स इन 130 कंट्रीज़, 130 देशों में वर्ल्ड वाइड ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के माध्यम से वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बना रखी, इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। और ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स अवर 5 state-of-the-art प्रोडक्शन साइट्स इन औरंगाबाद, भिवंडी, चोपंकी, डोंबिवली एंड भुज, एम्प्लॉय मोर देन 7,000 पीपल, 7,000 से ज़्यादा इनके एम्प्लॉय हैं और 130 देशों में इनकी प्रेजेंस है। तो बढ़िया कंपनी है, वर्ल्ड वाइड इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। अगर कुछ हम एक नज़र इनके प्रोडक्ट्स पे भी देख सकें तो बेहतर होगा। अब देखिए उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर के जो टायर ट्रैक्टर्स के या JCB क्रेन्स वगैरह के भी इंडस्ट्रियल में आते हैं, और जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं या बड़े बड़े लोडर होते हैं उनके जो टायर्स बनाते हैं, और ये डम्फर वगैरह के OTR, इस तरीके के इनके टायर्स बनते हैं अर्थ मूविंग में। तो बहुत डिटेल से बिना चलते हुए हम आगे बढ़ते हैं इनके फंडामेंटल्स तरफ और कुछ और बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो मार्केट कैप है 14,751 करोड़ की, यानी कि एक मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस 732 के आसपास चल रहा है, और जो 52 वीक मतलब साल का जो लो था वो 690, हाई था 1467, यानी कि करीब करीब अपने आधे प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है हाई से। और बुक वैल्यू है 230, यानी बुक वैल्यू 230 है तो बुक वैल्यू से 3 गुने प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का जो पी है वो है 19.61 है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, सेल्स ग्रोथ इसके 17% आकलन की गई है, और 2 रुपये की फेस वैल्यू वाला स्टॉक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 22%, और BSE और NSE दोनों साइड, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। इस तरीके से अगर हम इनके क्वार्टर के रिजल्ट्स देखते हैं
तो जून 18 से पहले हम जून 19 के ईयर ऑन ईयर देखते हैं, फिर हम क्वार्टर मार्च 19 से जून 19 में कंपेयर करेंगे। तो सेल्स जो थी, अब देखिए यहाँ पे एक बताने वाली बात मैं आपको बताऊं कि अब जो ऑटो सेक्टर्स है वो सिर्फ भारत में ही नहीं प्रभावित है, दुनिया के कई देशों में वर्ल्ड वाइड ऑटो सेक्टर्स में एक मंदी आई है जहाँ पे उनकी सेल्स में गिरावट है। तो इसी तरीके से टायर्स बनाने वाली कंपनियाँ ये एक तरीके से उनसे संबंधित ही होती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन पे भी ज़रूर सेल्स पे इनके प्रभाव पड़ता है। तो जून 18 में जो 1348 करोड़ की थी वहीं जून 19 में हो गई 1199, यानी कि डाउन साइड है। और जहां मार्च 19 में 1356 थी क्वार्टर फोर में, वहीं जून 19 में हो गई 1199, यानी कि यहाँ भी अगेन क्वार्टरली भी नेट सेल्स डाउन है, ईयरली भी नेट सेल्स डाउन है। तो नेट सेल्स में इनको जो है काफ़ी गिरावट है। और अगर हम स्किप करते हुए सीधे हम नेट प्रॉफिट पे पहुँचें तो जून 18 में जहाँ 225 करोड़ का इनका शुद्ध लाभ था, वहीं 170 करोड़ हो गया जून 19 में, यहाँ भी इनको गिरावट है, काफ़ी गिरावट है इसमें। और वहीं क्वार्टर फोर से अगर हम क्वार्टर वन जून वन भी कंपेयर करते हैं तो 186 करोड़ जहाँ मार्च 19 में थी वहीं जून 19 में हो गई 177 करोड़, यानी कि यहाँ भी गिरावट है। तो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में और नेट सेल्स में भी गिरावट है और ईयरली भी नेट सेल्स में और नेट प्रॉफिट में यहाँ पे उनको गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। और अगर हम कुछ वर्षों का इतिहास देखें, जैसे कि यहाँ पे 10 सालों के करीब आसपास यहाँ पे दिख रहा है, तो सेल्स में लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ तो है यहाँ पे, हाँ सेल्स में ईयर ऑन ईयर। और अभी जून ट्रेलिंग 12 मंथ को सम्मिलित नहीं किया इन्होंने। और यहीं पे अगर हम नेट प्रॉफिट पे भी देखते हैं तो नेट प्रॉफिट में कहीं ज़्यादा थी तो किसी वर्ष कम हो गई, इस तरीके से यहाँ से फिर कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। और फिर कहीं किसी साल नेट प्रॉफिट में कम है तो कहीं ज़्यादा, फिर कम है तो कहीं, फिर यहाँ पे ग्रोथ है। 770 अगर 717 करोड़ की थी मार्च 17 में, अगर 2017 में देखते हैं तो बढ़ के 2018 में भी और 19 में भी ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में भी। अब अगर हम कुछ चीज़ें और देख लें, जैसा कि हम हर अच्छे स्टॉक अच्छी कंपनी के बारे में देखते हैं, तो समझने वाली बात है कि जो इनके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 10 सालों 5 सालों 3 सालों, तो हम 3 साल का अगर पकड़ते हैं 17% की यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ है। और प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे 19% के आसपास है 3 वर्ष का। और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आपके जो शेयर्स पे जो कितने परसेंट की कमाई है, रिटर्न कितना वापस आता है, 18%, ये भी एक अच्छा नंबर दिख रहा है। इसी तरीके से हमने जो इसके देखे, अगर रिजर्व्स देखते हैं कि इनके पास पैसे वैसे कितने हैं, तो रिजर्व्स इनके पास 2000 मार्च 19 के आंकड़ों में दिखा रहा है 4615 करोड़ के इनके पास रिजर्व्स हैं, कैश पड़ा हुआ है। और जबकि इनके पास जो उधारी है, जो कर्जा है, तो 871 करोड़, यानी कि जब चाहें तो ये इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये अच्छी बात है कि डेट फ्री कंपनी आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा इस पे कर्जा नहीं है क्योंकि इनके पास ऑलरेडी काफ़ी कैश फ्लो मौजूद है। तो ये रहे बेसिक चीज़ें। और अगर हम कंपेयर करते हैं रिटर्न वाइज, तो हमने यहाँ पे मनी कंट्रोल की साइट पे एडवांस चार्ट पे क्लिक करके हमने 2 स्टॉक लगाए हैं, एक बालकृष्णा इंडस्ट्री और एक अपोलो टायर्स, कि अगर इस डेट से शुरुआत करते हैं 30 जुलाई 2009 से, दोनों स्टॉक को अगर हम लेके चलते हैं आज की डेट पे, तो आज की डेट पे दोनों स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं रिटर्न वाइज। क्योंकि देखिए, निवेशक पैसे क्यों लगाता है किसी कंपनी में, किसी बढ़िया कंपनी में, क्योंकि उसको मुनाफा चाहिए, उसको रिटर्न चाहिए। तो हम रिटर्न देखते हैं इस तरीके से बढ़ते हुए, तो बाल कृष्णा इंडस्ट्री में काफ़ी उछाल है। और यहाँ पे आज की डेट पे बाल कृष्णा 2000 से ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है 10 सालों में, और अपोलो टायर्स 300% के आसपास यहाँ पे रिटर्न दे रहा है। तो दोनों बढ़िया कंपनी है फंडामेंटली। अपोलो टायर्स पे मैं फिर कभी रिव्यू दूंगा या बनाऊंगा वीडियो। आज हमने बालकृष्णा इंडस्ट्री के बारे में बताया,
कंपनी अच्छी है, लेकिन अब फिलहाल 1 साल के इनके जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सी अच्छी नहीं रही, क्योंकि बिक्री ही नहीं हो रही। जब माल ही नहीं बिक रहा है तो कैसे इनको प्रॉफिट आएगा। तो अभी देखते हैं, जिस प्रकार से हमारा आजकल का मार्केट है, मंदी के दौर पे काफ़ी नीचे जा रहा है, और अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि थोड़ा मंदी की ओर रुख है, पर हमें उससे विचलित नहीं होना। हम निवेशकों को अपने समझदारी से, अगर हमें लगता है कि हमारे पास कुछ पैसे आ रहे हैं, तो हमें अच्छी कंपनियों को चूज़ करना है और उन पर SIP करना है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि लमसम नहीं डालने का समय है अभी, अभी थोड़ा सा समझदारी। और नहीं, अगर अगर आपको इन्वेस्ट करना, थोड़ा सा रुक रुक के फिर कीजिए कि चलो भाई अभी देख लेते हैं क्या बॉटम लेवल आ गया। वो तो किसी को नहीं पता रहता कि कब मार्केट कब ऊपर भागना शुरू होगा, कब रैली आएगी, कब ये मंदी ख़त्म होगी, ये हमें कुछ नहीं पता रहता, ना किसी को पता रहता। तो हमें ये समझदारी से कि अगर हमको लगता है कि कोई कंपनी अच्छी है और उसकी पास्ट परफॉर्मेंस हम देखते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया कई वर्षों के, और लगता है कि हमें इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हम अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए और लंबे समय के लिए निवेश करते हुए हमें थोड़े थोड़े शेयर्स उठाने चाहिए जिस प्रकार की कंपनियां हैं। तो इस कंपनी में अभी मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आप खरीदिए कि ना खरीदिए, क्योंकि अभी कितने नीचे के लेवल पे जा सकता है हमें कुछ भी नहीं पता। तो मैं यहीं पे अपना वीडियो वाइंड अप करूँगा फ्रेंड्स। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हाँ, अगर आप इसमें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं तो बिल्कुल भी विचलित ना हो। कंपनी बहुत अच्छी है, उनकी क्वांटिटी कम नहीं हो रही है, भाव कम हुआ है। कभी भी बाउंस बैक हो सकती हैं चीज़ें, कभी भी ऑटो सेक्टर या फिर टायर इंडस्ट्री में भी एक बूम आ सकता है। तो उनको अगर लंबे समय के लिए निवेश किया है तो बेफिक्र रहिए, डिविडेंड का आनंद लीजिए, डिविडेंड पे करती हैं। और चलिए फिर इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा ज़रूर हमारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।